में भी उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं और ऐसे में एनडीए ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा होता है जिस राज्य में जिस दल की सरकार होती है वहां उपचुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर उसका एडवांटेज सत्ताधारी दल को मिलता है। ये हमने बिहार में भी देखा, चारों सीटों पर एक्चुअली होता क्या, देखिए जनता भी ये जानती है कि अगर मान लो हम इन चारों सीटों पर विपक्ष को जिता भी देंगे तो उससे हासिल क्या हो जाएगा, सरकार में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, और जो अब बहुत लंबा समय बचा भी नहीं है बिहार की विधानसभा में, लिहाजा जनता एक तो वोट प्रतिशत कम होता है और दूसरी चीज वो ये जानती है कि जो एग्जिस्टिंग सरकार चल रही है कम से कम उसकी कुछ योजनाओं का हमें लाभ मिल जाएगा, या हम सामने चुनाव है तो हम जो बेनिफिट ले सकते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो इस सरकार से ही ले सकते हैं, क्योंकि नई सरकार जब आएगी, जब आम चुनाव वहां असेंबली का होगा तब एक अलग विषय होंगे, अलग मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्यों विपक्ष के विधायक वहां पर चुने, तो अधिकांश ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि 9 सीटों पर चुनाव हुआ है, 7 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, 2 पर समाजवादी पार्टी जीती है, तो ये एक मनोदशा होती है वोटर की कि भाई जो सत्ताधारी दल है हम उसके ही साथ जाएंगे और उसके साथ जाने में उसका लाभ भी है। आप देखिए अगले साल 2025 में चुनाव होना है, बिहार में भी चुनाव होना है और दिल्ली में भी चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर बहुत लंबा समय बचा नहीं है, इन विधायकों को भी कितना ही कार्यकाल मिलेगा करने के लिए, हाँ लेकिन आने वाले चुनाव के लिए जमीन तैयार करने का मौका इनको जरूर मिलेगा और मैं समझता हूँ उसका लाभ कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी सरकार लेना चाहेगी। हाँ, लेना चाहेगी। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस नतीजे का जो है इसका असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं एनडीए को इसका जरूर फायदा होगा, लेकिन ऐसे में अगर हम बात कर ले पीके की जनसुराज पार्टी की, तो कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से जनसुराज की एंट्री हुई थी इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार के जो चुनाव होंगे इसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही पीके की जादू चली और ना ही जनता ने जनसुराज को मौका दिया, यानी मतलब बिहार में अगर देखा जाए तो जनसुराज को लोगों ने, जनता ने नकार दिया है। बिल्कुल, देखिए उपचुनावों में जनसुराज की कोई बहुत बड़ी भूमिका होने वाली भी नहीं थी, इसका मुझे नहीं लगता कि अगर आप कहेंगे तो आप वरिष्ठ पत्रकार भी तमाम बिहार के हमारे संपर्क में हैं, किसी ने चर्चा भी नहीं किया। निश्चित तौर पर आम चुनावों में जनसुराज पार्टी की भूमिका रहने वाली हो सकती है और वो कहीं ना कहीं अगर आप अपना गेन नहीं करेगी तो किसी ना किसी को डेंट तो देगी, और ऐसी स्थिति में जब कोई नई पार्टी खड़ी होकर आती है तो वो किसी ना किसी को डेंट देती है। आप एक चीज देखिए, सबसे अल्प समय में अगर कोई पार्टी बनकर खड़ी हुई और राष्ट्रीय परिदृश्य में ऊपर उभर कर आई है तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी, इतनी जल्दी कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ी है, इमीडिएटली वो पार्टी गठन हुआ और तुरंत 2015 में चुनाव हुआ और सरकार बना ली उन्होंने, इस तरीके की चीजें हैं और उसी से प्रेरित होकर जिस तरीके से प्रधान जी अपनी पार्टी को लेके वहां आए हैं और वो सोच रहे हैं जिस तरीके की विचारधारा के साथ में, जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आम चुनाव में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो किसके साथ जाते हैं या टोटली अलग रह के अपना चुनाव मैनेज करते हैं और लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और उसका असर हमें आम चुनावों में बिहार में देखने को मिल सकता है। हाँ, आपने जिक्र किया कि आम चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि जन स्वराज पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा होता है कि लंबे कालखंड से वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, और बिहार की आज की स्थिति और आज से 15 वर्ष पहले की स्थिति भी अगर आप देखें तो वहां की आम जनमानस के बीच में कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला है। अब सरकार कहती रहे कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए या हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, बिहार के अंदर आप एक चीज देखिए, बड़ी आबादी ऐसी है जो अपनी 2 टाइम की रोटी के लिए संघर्ष करती है, स्वीकार करना पड़ेगा, सत्यता है ये, और उस सच्चाई के धरातल पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार की कोई ऐसी योजनाएं हैं जिससे उन लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार आ सके, और यही क्रांतिकारी परिवर्तन की बात लेकर, इसी विचारधारा को लेकर प्रशांत किशोर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वो जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 100 लोगों से अगर बात करते हैं तो उसमें 10 से 25 लोग 20% 15% 10% कन्विंस होते हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि वहां जातिगत समीकरण का बड़ा
फैक्टर है बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश की तरह। तो मुझे लगता है कि चूंकि जिस वर्ग से आते हैं वहां भूमिहार समाज का अच्छा खासा वोट है, वो भी एक निर्णायक फैक्टर बन सकता है। और वो वोट अगर खिसकता है आज की तारीख में, ना तो वो वोट आरजेडी के साथ जाने को राजी है, ना ही वो वोट जेडीयू के साथ जाने को राजी है। तो इस तरीके का वोट अगर प्रशांत किशोर की तरफ जाता है तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की वहां हो सकती है।